साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै आज का जो विषय है, ऑब्वियसली मैंने गुरु और ब्रह्मा अगर गाया है तो ऑब्वियसली गुरु के बारे में होगा। ये किसी विद्यार्थी को की मानहानि के लिए नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी गुरु वर्सेस विद्यार्थी के कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई ड्यूअलिज्म क्रिएट करने के लिए, या कौन हु इज बेटर एंड हु इज नॉट बेटर उसके लिए कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज के लाइव का मेरा मकसद ये है कि हम समझे इस बात को। इट्स ऑल अबाउट माय ट्रिब्यूट टू गुरुज और एक तहजीब हम लोग सीखे। मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट वर्क किया है क्योंकि ये एक थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है, इसे हम लाइट नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये कुछ एक मैंने शेयर्स किए थे, एंड अगर मैं यहाँ पे अभी पहले ही आपको बता देता हूँ, देयर इज अ लाइट, इसको थोड़ा सा ऐसे ही हम यूं कर देते ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना करें। यस यस, सो द पॉइंट इज, विद्यार्थी गुरु के बारे में क्या कृतज्ञता रखे, क्या ग्रैटिट्यूड रखे, क्या थैंकफुलनेस का भाव रखे, और विद्यार्थी और गुरु के बीच में, मैंने गुरुओं के लिए भी गुरु का चयन कैसे करे, गुरु सिलेक्ट कैसे करे, उसके बारे में भी मैंने बताया है। एंड आई वुड स्टार्ट विथ कि सबसे पहले तो वेलकम आनंद भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, आप प्लीज़ कॉमेंट करें, मैं आपका नाम इस संदर्भ में लेना चाहता हूँ जो प्रिंट आउट वाला है, तो आई वुड लाइक टू टेक योर परमिशन एंड देन आई विल टेल दैट स्टोरी। अच्छा ही है कि आप, मैं थोड़ा सा असमंजस में था कि मैं करूं या ना करूं, सो प्लीज़ से यस और नॉट नाउ, ऐसे कर सकते हो आप, मुझे ये नहीं लगेगा, पर आपकी परमिशन लेना ज़रूरी है उस कंसेप्ट के पहले, क्योंकि इस कहानी से इसका मतलब मकसद है। पहली बात तो आपने किससे गाना सीखा है, हैव अ ग्रेटिट्यूड फॉर देम। नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम योर पेरेंट, अगर माँ भी गा रही है, मैं अभी एक आर्टिकल, हाँ नमस्ते नमस्ते आनंद जी, मैं वो आपको कहना चाहता हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू टेक योर रेफरेंस अपना जो एज अ, कि भाई कोई व्यक्ति को, जो कोई व्यक्ति कार्य करते हैं तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, नॉट जस्ट कि ये तो पहले से सिस्टम लगा हुआ है आ जाओ ऐसे। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक योर परमिशन, इफ़ यू अलाउ मी देन आई विल से दैट किस्सा। सबसे पहली बात यह है कि बचपन से लेके शुरुआत करें हम, माँ बाप से सुनते हैं गाना या कोई एक टीचर से सीख। मैं अपने अपना एक किस्सा बताता हूँ कि मैं राजकोट में, मुझे किसने बताया था कि नोटेशन वो सर्कस में सामने रख के, ब्रास इंस्ट्रूमेंट के सामने रख के बजाते हैं। सो मैंने वहाँ पे जाके सर्कस ज्वाइन कर लिया राजकोट से ही। सो राजकोट से अमरेली फर्स्ट सेंटर था, तो वहाँ पे ऐसे ही गाँव में टहलने निकला था सुबह, तो एक म्यूज़िक क्लास देखे, तो वहाँ पे मैं चला गया एंड आई जस्ट मेट अ गुरुजी, अभी भी मुझे याद है, पूरे सफ़ेद बाल थे और यहाँ थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी उनकी सफ़ेद बनी हुई थी, जैसे यहाँ पे कुछ सफ़ेद है वैसे। तो उन्होंने मुझे बिजली चमके बरसे में हर वा ऐसे करके एक राग सिखाया था। तो
और मैंने वो उनको मैंने कहा कि वो बोले आप तो रेगुलर आएंगे नहीं फिर मैं कैसे, तो मैंने अपने आप आपके बारे में बताया, तो बोले ठीक है। मैंने कहा मुझे आज एक दिन में, आज है आज ही का दिन मेरे पास है, तो मैं उनके पास एक दिन के लिए एक लक्षण गीत सीखने के। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये एक यही बात है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये आपकी कहानी या आपके साथ जुड़ी बात है, अगर आप सामने हैं और मैं परमिशन ले लूँ तो बहुत ही अच्छा है, ताकि ये एक सिरस्ता होना चाहिए। मैं यही आज का विषय है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, ऑथेंटिक कॉपीइंग, पायरेसी, इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। और साथ ही में मैं ये बता दूं कि मेरा फिल्म लाइन में काफ़ी अच्छा चल रहा था प्रोडक्शन में, लेकिन हर तीसरा आदमी आके एक माइकल जैक्सन का गाना देता था कॉपी करने के लिए, और बोलता यार कमाल का गीत है कॉपी मारो इसको। मैंने कहा ये नहीं होगा मेरे से, यू टेक परमिशन फ्रॉम माइकल जैक्सन, उसको उसकी रॉयल्टी दे दो और गिव हिम अ क्रेडिट कि ये इंडियन वर्जन मैंने किया है इसका, इस गाने का, क्योंकि अब बीटिट गाना मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सो यस आई वुड लाइक टू से, जैसे आनंद जी ने परमिशन दिया है, तो अब उनके जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो मुझे पता चला कि काफ़ी सारे रिस्पेक्टेड अनिल मोहिले जी के वहाँ सीखे हैं वो, और इतनी परफेक्ट नोटेशन पद्धति है उनकी, तो उनके वहाँ बातचीत हो रही थी तो कहा कि वो पूरी कहानी मुझे इनडायरेक्टली पता चल गई बात चलते चलते, कि वो उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि फ़ोन पे स्कैनर है और ठप से कर दिया और गाना स्कैन हो गया, तो वो एक एक गाना लिखा जाता था जो वो सेट करते थे, गाना जो हम जिसको सेट करना बोलते हैं, लिखते थे उसकी स्कोर लिख के, फिर उनकी मिसिज भी उनके साथ इन्वॉल्व होती थी, और वो उनको लेके रोज या टुकड़ों में वो पूरे पेजेस बनाए और उसको स्कैन कर लिए, स्कैन करके अब पेन ड्राइव में आ गया। अब वो पेन ड्राइव में आ गया, अब वो सारी मेहनत है वो पेन ड्राइव हो गई, वो सारी जो मेहनत है उनके घर की, उसमें आप जब प्रिंट आउट करने जाते हैं इतने सारे तो आपको खड़ा रहना पड़ता है वहाँ पे, हो सकता है चार आदमी हो किसी का बीच में जेरोक्स आता है वो अपना करवा लेता है, तो ये सारी तकलीफें हैं, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पहाड़ चढ़ने वाली तकलीफ है, पर ये ऑक्यूपेशन है और ऑक्यूपेशन के बहुत मायने होते हैं। अब पेन ड्राइव है, अब समझो कि वो कहीं बजा रहे हैं, मेरे बगल में बजा रहे हैं, तो मैंने देखा अरे उनके लैपटॉप में सारे गानों के स्कोर पड़े हैं, तो मैंने कहा भाई आनंद भाई एक काम करो ना मुझे ये दे दो ना, तो आनंद भाई समझो भले आदमी है, आनंद भाई ने पेन ड्राइव निकाला अपना और मुझे दिया, पल्लव भाई आप ले लो, और मैंने वो पेन ड्राइव कॉपी कर लिया, इससे कहेंगे फ्रेंडली कॉपी। उन्होंने मेरे पे मेहरबानी की कि उनके सारे गाने इतनी मेहनत है, तो मैं तो गदगदित हो जाऊंगा कि यार ये आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट नाउ। अब इसी तरह से मैं किसी और रिहर्सल में बैठा हूँ और मैं उसी तरह के नोटेशन पढ़ रहा हूँ, अब मुझे मेरा उतना ही करीबी दोस्त पूछता है कि यार ये क्या है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ। बाकी जो नए जुड़े उनको मैं बता देता हूँ कि गुरु और शिष्य के बीच में क्या रेपो होने चाहिए, उसका मैंने अभ्यास किया, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज लिए, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ ताकि विद्यार्थी को ये तहजीब के बारे में पता चले, और कोई मकसद नहीं है मेरा, ना ही किसी विद्यार्थी को गिराना, इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट एंड गुरु, रिस्पेक्ट टू अ गुरु, ये आप समझ लीजिए कि टाइटल है। अब मैंने अपने दोस्त को दिया, हाँ हाँ अरे तो अपना ही आदमी है। अब वो सेकंड से थर्ड हुआ, थर्ड से फोर्थ हुआ, कुछ अरसे के बाद है ना जब वो मतलब पल्लव से ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसा कहता के एल एम तक पहुंचा है, तो वो एल है ना, वो एम है ना, वो एल को पूछता है ये इसमें तेरे पास वो गाना नहीं है अपना तुम जो मिल गए हो का, तो फोर्थ अंतरा नहीं है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये बात क्या हो गई कि उन्हें पता ही नहीं है कि पहले जो जनरेशन फर्स्ट जहां से ये मतलब फ्रेंडली कॉपी से लीकेज में कन्वर्ट हो गया जो कम्युनिकेशन, तो उनकी क्या, उन्होंने उनकी इतने साल की मेहनत, नोटेशन सीखना, पढ़ना, हर दिन जाना, उनका आदर करना वगैरह वगैरह सब मिला के यहाँ तक पहुँचे, और इसके जब आगे जाएगा तो वो एक मेथड हो गई। इसी ये वैसी ही बात है जैसे हम फॉरेन में जाते तो, और इनका सिस्टम ही अलग है पूरा, इनका सिस्टम, गार्डन देखिए आप, रास्ता देखिए, ऐसा नहीं है आप यहाँ से घूम थोड़ी देर आगे जाएंगे एक आदमी आता है वो पूरा क्लीन करता है, और उसके बीवी बच्चे हैं सब है, वो छोड़ के वो अपना काम कर रहा है, वो ऑक्यूपेशन बोलते हैं उसको, तो वो ऑल ड्यू, तो हमें ये नहीं, यहाँ का सिस्टम ही ऐसा ऐसा नहीं होता है।
वैसे ही गुरु का होता है। मैं अपना आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, नए लोगों को मैं बता देता हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग योर गुरु इन द राइट मैनर। इसका एक विवेकपूर्वक मेरा प्रयास है कि ये जागरूकता बढ़े, कहीं किसी को नीचा नहीं दिखाना है हमें। हाँ, मैंने अपना सफ़र कभी शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि इतने लोगों का, इतने बड़े बड़े सफ़र देखे तो मेरा सफ़र मुझे इतना छोटा लगता है। पर हाँ, मैं ये बात क्योंकि रेफरेंस में है तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजकोट में मेरे घर में कोई म्यूजिक में नहीं था। मम्मी पापा गाना गाते थे, अगर कहीं हारमोनियम मिल गया तो पापा तुरंत बैठ जाते थे, और तो मुझे लगता था कि अरे ये भी चीज़ है, मेरे पापा कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। मेरे पहले गुरु मेरे पापा हुए, वो म्यूजिशियन नहीं थे, बस वो शौकिया बजाते थे, और घर में क्योंकि हारमोनियम पड़ा रहता था और सब लोग मिलते थे। अब मैंने वहाँ से शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, गाना गाना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने राजकोट अकाडमी है, म्यूज़िक अकाडमी, उसमें गया मैंने, क्योंकि वोकल वोकल करना था। फिर वहाँ मुझे एक जया बहन करके लेडी थी, बहुत बहुत प्यारी लेडी थी, वो मिले। उसके बाद एक ब्लाइंड टीचर थे, तो उन्होंने मेरा एस्टीम, मेरी एफिकसी जिसको हम कहते हैं, मेरी क्षमता के बारे में बताया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार, मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा था कि ये सर जो बोल रहे हैं मुझे कि मैं कुछ करूंगा आगे जाके, तो इतने वर्ड्स, और मुझे मेरी नॉन वर्बल चीज़ को, मुझे वर्बली तो बोल रहा था बेटे अरे तुम बहुत आगे जाओगे, और तो मेरे घर में कोई म्यूजिक में नहीं था, तो मुझे नहीं पता चलता था कि यार ये क्या, ये तहजीब क्या है, मुझे नहीं भी तहजीब, लेकिन उतना समझ में आ गया था कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि ये लोग बोल रहे हैं कि तू बहुत आगे जाएगा। ओके, कट्टू, मैं सर्कस में था, वहाँ पे एक मुस्लिम बैंड मास्टर करके थे, उनका नाम ही मुस्लिम, वो मुस्लिम बैंड मास्टर के नाम से मशहूर थे, तो बहुत प्यारे आदमी थे, वो बहुत अच्छा क्लैरिनेट बजाते थे, तो उन्होंने मुझे मीनम, क्रॉचेट, कोयोर, वो सब सिखाया, और वो सुनते थे मुझे, और तभी मैं मदन जी के गाने सर्कस में बजाता था, वो वॉल्ट्ज रिदम में वहाँ पे आता था, तो बोले तुम अपना बजाओ, तो वो भी मुझे बोलते थे भेड़ू बहुत आगे जाओ तुम भेड़ू, इनका ये स्टाइल था, बहुत प्यारा आदमी था, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अब मैंने वहाँ से अचानक मुझे कांति भाई सोनछत्रा मिल गए, तो मेरी तो मानो जिंदगी बदल गई। कांति भाई सोनछत्रा जी के बाद मैं, मतलब उनकी डिविनिटी मुझे वो शेयर करने लगे, मैं, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, ही इज़ अ डिवाइन। और आज भी मैं तरसता हूँ कि मैं उनको फ़ोन कर दूँ, कई बार वो चिढ़ जाते हैं मुझ पर भी क्यों फ़ोन नहीं कर रहा मुझे, तो मैं उनको बोलता हूँ तो उनको सच नहीं लगता है। मैंने कहा सर मुझे जैसे ही आधा घंटा मिलता है मैं आपको चिटकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनकी जो गायकी का अंदाज है, उनकी उनकी जो उपज है, वो मैं आज तक पाँच, पहले 2 पे था अभी 5 पे आया हूँ, उनका 5% मेरे पास है, और मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात जाहिर है, ये कोई मैं फिल्मी हो, अरे भाई गुरुजी आपका ऐसा कुछ नहीं, ही रियली डिजर्व्स दैट, वो खुद डिजर्व करते इस बात को, और हमें नहीं समझ में आता था कोई ज़माने में, क्योंकि वो तहजीब ही नहीं पता थी, पर जब कांति भाई जी आए उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, ही वो बहुत अच्छे होम्योपैथी के जानकार हैं, वो बहुत अच्छे आयुर्वेद के जानकार हैं, वो बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिज्म के जानकार हैं, वो बहुत अच्छे रिलीजियस बिलीफ के जानकार हैं, मतलब चाहे वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, चाहे वो, क्योंकि उन्होंने द्वारकेश लाल जी से, पूज्य द्वारकेश लाल जी से सीखा था, और पंडित जसराज जी के साथ मणिराम जी से, पंडित मणिराम जी से सीखा था, तो इतनी सारी चीज़ें, और इतने चिंतक थे वो, तो और सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान के साथ संगत करते थे कलकत्ता में, उस ज़माने में वो सिम्फनी और ये सब उनका अप्रोच था, पियानो पर क्या अप्रोच से बजाना वगैरह, फिर उन्होंने ग्रेस कन्वर्ट किए, ये सारी चीज़ें। अब मैं पेन ड्राइव पे आता हूँ, बात कंटिन्यूटी पे लाता हूँ, बहुत अच्छा है कि आनंद जी अभी है मेरे साथ लाइव में, अब मेरा भी पेन ड्राइव बन रहा है, और ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा कितना हिस्सा है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। अब और मैं इस बीच में एक बात बता दूं कि मुझे एक व्यक्ति ने 6 महीना रखड़ाया था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि, मुझे इतना पता था कि ब्लैक के नीचे लेफ्ट जो है वो सी है, पर मुझे ये सी है या ये सी है नहीं पता था, मुझे 6 महीना रखड़ाया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, और मुझे वो इतना, मेरी ज़िंदगी में उससे मुझे कभी पेन नहीं हुआ है मेरी ज़िंदगी में, वो एक ही मोमेंट ऐसा था, क्योंकि मेरी 18-19 साल की एज थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे पास जो भी आएगा मैं खुल के बांटूंगा, मैं जो भी आएगा खुल के बांटूंगा,
उस वजह से मैं और इस बात पे मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि दैट वाज दी ओनली थिंग दैट वाज अ पेन इन माय लाइफ, और मैंने इसीलिए ये सिखाने का मिशन उठाया है। सो हाँ, कमिंग टू मैं वो कहानी आज पूरी इस बात को मैं लेके बहुत ही बकायदा डिटेल में बात करूँगा इस बारे में। इसके बाद सर बोल रहे थे कि नहीं तू और 1-2 साल रुक जा, और मैं बीएससी करके वैसे ही 22-25 साल का हो गया था, तो मैंने कहा कि सर मैं अभी जैसे आप 1-2 साल और रुक गया, फिर मम्मी बोलेगी शादी करो, और फिर हो गई, फिर बच्चे कच्चे हो गए और फिर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मुझे भागना ही पड़ेगा, चाहिए तो मैं एक लेवल पे पहुंच के आपके पास वापस आऊँगा, और ज़िंदगी पड़ी ऐसे ही बोला था मैंने। पर मेरे सर का बोलना बहुत जायज़ था, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, और वो तो 1 साल 2 साल बोल रहे थे, मैं वही चीज़ 1-6 महीने में भी कर सकता था, पर मेरे में वो हड़बड़ाहट बहुत थी कि मुंबई जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब होता है वो। सो एंड आई नेवर वांटेड टू किल दैट एंथुजियाज्म। अब उसके बाद मेरी मुलाकात, जैसे अनिल मोहले जी से, कांति भाई ने बताया था कि अनिल मोहले जी को मिलना, वो जानते हैं मुझे, तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया अनिल मोहले जी के, वहाँ गया। अनिल मोहले जी ने मुझे पूज्य बाबा जी का नाम सजेस्ट किया, तो बाबा जी के वहाँ पहुँच गए, फिर बाबा जी के वहाँ नोटेशन सीखना शुरू हुआ, तकरीबन 1 साल नोटेशन हुआ। इस दौरान मुझे जो टाबुन दा है और एक म्यूजिशियन थे हमारे, तो वो बोले कि यार वो मिस्टर डिबूट करके कोई आए हैं, तो वो जैज़ वगैरह सिखाते हैं, और तो बहुत ही कम फीस में हमें जैज़ सीखने को मिला। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ पेन ड्राइव, कि इतने प्रोसेस के बाद, इसकी ओवरनाइट नहीं हुआ है, यानी अगर मैं एकेडमी में अगर 10 राग सीखा, बेसिक जो थाट है, देस है, जौनपुरी है, और बहुत अच्छे टीचर्स थे, और मैं गाता था वहाँ, उस बात पता चला कि मुझे कीबोर्ड प्लेयर बनना है, सिंगर नहीं बनना है, तो मैंने कन्वर्ट किया अपने आप को। बट इट वॉज अ प्रोसेस वेयर वेयर देयर इट अब पता चलता है कि उसको पेन बोलते हैं, जिसको हम एफर्ट बोलते थे, आज लोग उसको स्ट्रगल बोलते हैं। अब यहाँ पहुँचे, फिर डिवूड के पास गए, डिवूड ने सारे फोर पार्ट हारमोनी, आयोनियन, डोरियन, फ्रीजियन, लीडियन, एओलियन, मिक्स लीडियन, मेजर, माइनर, -7, -7, ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू किया, और 2-3 महीने में मेरे पास वो मटेरियल आ गया कि मेरी एक तरफ पियानो है, यानी अगर मैं तो मुझे ही पता चला, ओ माय गॉड, ये गन सारे गा पा दा मा पा गा मा रे सा, मैं इसको सा गा गा पा नी बा गा रे, मैं कर सकता हूँ, ओ माय गॉड। एंड दैट वाज ऑलमोस्ट 87 86 87 के आसपास का टाइम था, एंड इमिजिएटली मैं बैठ गया, दिन रात बैठ के जितने भी रागाज है उसके कॉर्ड्स निकाले, और उसका नाम रख दिया रागा मौनी, सारी चीजें जमा की, फिर सर के ग्रेसिस थे कुछ, जो सर की स्पेशलिटी थी या सर ने जो सिखाए थे, जो नहीं ये सारे ग्रेसिस थे, तो इसको मिला के एक पैकेज बनाया, और ये पैकेज सबसे पहले मेरे पास आया कि मुझे ये लगता था कि इन सारी चीजों को अगर मैं पेन ड्राइव बना दूं, एक जिप इन फाइल बना दूं, तो संगीत, तो मैंने उसको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया, स्केल यानी थाट, मोड्स, बेसिकली वो एक उसमें आया, एक पिलर में, सेकंड पिलर में आया हारमनी, यानी सागा प के बजाय हम लोग सागा प नहीं लेते हैं, पर ये चीज सीखने में आप समझिए कि 15-20 साल लग गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि एक, फिर मैंने उसको ये कंपाइल करो, ये एक दिन उठा, एक दिन उठा, फिर ये नया आइडिया है, नया करते 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 एक पेज बनाया, एक पेज जिसके अंदर रे कोमल का स्केल, ग कोमल का स्केल, म तीव्र का स्केल, ध कोमल का स्केल और नी कोमल का स्केल, दैट्स इट। बाद में रे और ग का कॉम्बिनेशन, रे और म तीव्र का कॉम्बिनेशन, इस तरह से बना। ये इतनी मैं एलोबरेट इसके लिए कर रहा हूँ कि जैसे आनंद जी की कहानी में नोटेशन लिखे गए, तो भाई वो एक दिन सुबह उठे होंगे, भाई हाँ आज फिर जी ने ना, फिर लिखा होगा उन्होंने, फिर बोले हाँ अच्छा, और तो वाइफ को बोला अगर इधर थोड़ा सब्जी लेने, आई मीन मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूँ, हकीकत में ऐसा नहीं होगा, तो वो गए होंगे साथ साथ में प्रिंट आउट करके लाए होंगे, इस तरह से वो ऐसे थप्पा बना, पर थप्पा ठक करके इन्वेंशन हुआ है ना, तो पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो गया, वो थप्पा जो है वो जाड़ा वाला।
उसी तरह से ये, और इसी तरह से जो भी गुरु आगे से सीखते आ रहे हैं, तो ऐसे कई थप्पे, कई किताबें, कई ग्रंथ, कई लोगों की आहुतियां बन के एक आर्ट बनती है। श्याम एडवनकर जुड़ा हुआ है, श्याम एडवनकर की अपनी स्टाइल है, द मोस्ट यूनिक स्टाइल ही हैज, नो नो बडी इन दिस एंटायर यूनिवर्स मैंने उनके जैसी यूनिक स्टाइल नहीं देखी है, तो उनको कहीं से नहीं मिले। उन्होंने बैठ बैठ के, पर एक एक पैटर्न मुझे वो फोन करते हैं, और एक पैटर्न समझो 3 4 5 मिनट का एक पैटर्न वो सुनाने के लिए वो 2 1.5 2 3 महीना आज भी निकालते हैं। सो वो ओवरनाइट नहीं होती है, बराबर ना। नए लोग जो, इनको मैं जो बात बता रहा हूँ, ये बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट शिष्य को गुरु का आदर कैसे करना है, उसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है, आज के गुरु की क्या विडंबना है, आज के गुरुओं की क्या पेन से, उसका पूरा इंटरव्यू लिया है मैंने, और 2 पन्ना भर के सामने पीछे मैंने लिख के रखा हुआ है। तो मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स भी देता हूँ, आपको शायद दिख जाए, ये ऐसे 2 पेज है, इतना भर के है मटेरियल जी। सलाम। सो अब सबसे पहले काका जी है अपने सेक्सोफोन प्लेयर, तो उन्होंने, मैं उनके घर पे गया था, वो कीबोर्ड का बिजनेस भी करते थे, तो मैंने W30 ऐसा कोई कीबोर्ड मंगाया था उस जमाने में, तो उनका बेटा छोटा था, और उसके बाद उन्होंने, काका जी ने उनको, बेटे को बोला बेटे पैर छुओ इनके, तो मैं तो ऐसे ही 22 23 साल की उम्र थी, तो मैंने कहा ऐसे क्यों करवा रहे, तो बोले नहीं इनको थोड़ा सिखाओ। अब मैंने वही पेपर पूरा छपवा दिया उनको, और मैंने वो इतना कंपाइल करके वो पेपर की, बस आप रे कोमल कर लो, और सिंगर्स के लिए भी यही लागू पड़ता है कि भाई बेसिक थाट का ज्ञान ले लो, कैसे सिखाना वो मैं पर्सनल लेवल पे कर देता हूँ कि अरे नहीं यहाँ पे अटक रहे हो, यहाँ पे अटक रहे हो, दैट इज पर्सनल काउंसिलिंग या पर्सनली इम्प्रूवमेंट जिसको हम कहते हैं, वो विद्यार्थी के सवाल और विद्यार्थी के फीडबैक के बाद होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ थोड़ी नेगेटिव बात है कि मेरे जितने भी विद्यार्थी बने उसमें से एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं निकला, मैंने कहा था कि लाइफ टाइम यू हैव टू कीप ऑन कॉलिंग मी वंस इन अ मंथ कि सर वेर एम आई एंड वेर आई शुड बी अगेन, वेर एम आई, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। आज तक मुझे एक विद्यार्थी नहीं मिला है उसने मुझे वेर एम आई एंड वेर आई शुड बी कहा है, क्योंकि मैं गुरु हूँ ही नहीं, मैं टीचर हूँ ही नहीं, मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हूँ, बट हाँ आई एम एन ऑब्जर्वर ऑल्सो, आई एम नॉट, आई कांट से माई सेल्फ एज, क्योंकि मैं वो सारी प्रथाओं को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे एक टीचर इंस्टीट्यूट नुमा माहौल रखना है, बट नॉट विद द डार्क साइड और कैपिटल साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये टेक्निकल चीज़ है, मैं उतना इस पर एलोबरेट नहीं करूँगा। नए लोग जो जुड़े उनको बोल रहा हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट शिष्य को गुरु का आदर कैसे करना, वो तहजीब के बारे में मैं बता रहा हूँ, ना ही किसी को शिष्य को बुरा बोल रहा हूँ, ना ही किसी गुरु के बारे में कुछ अच्छी बात कह रहा हूँ, जो है इसको एज इट इज डाल रहा हूँ। अब एक आदमी आया सीखने, वाह, एक हफ्ते में सीख के चला गया, क्योंकि एक ही पेज है, मैं एक पेज दे देता हूँ, उसके बाद सिर्फ फोन से, तभी भी मेरा ऑनलाइन ही कन्वर्सेशन होता था, क्योंकि हम भी तो शोज कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कि सुबह उठ के बैठा हूँ तानपुरा लगाया फिर एक विद्यार्थी आया दो, ऐसा नहीं था, मैं भी शोज करने जाता था, पर मैंने ये अपना टेक्निक निकाला हुआ था कि अच्छा भाई क्या, तो हाँ तो भाई सर मुझे ये नहीं, देखो आप तो हाँ बजाओ बजाओ 1 मिनट, हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ क्या सुनाओ, तो वो फोन पे ही सुन लेते थे हम लोग कि अच्छा ये इंप्रूवमेंट करना है, ये इंप्रूवमेंट करना है, या कहीं शो में मिल गया वही विद्यार्थी तो वहां पे, हाँ चलो बजाओ क्या है, ऐसे मैंने आज तक किसी विद्यार्थी से सामान नहीं उठाया, और ये बात नहीं है, वो प्यार की बात है सामान उठाना, पर जब उस चीज का एक्सप्लोइटेशन होता है गुरु शिष्य की दुनिया में, तो मैंने वो एक नियम बनाया था एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कभी द्वैत में पड़ता नहीं हूँ गुरु अच्छा या शिष्य अच्छा या शिष्य अच्छा या गुरु अच्छा, ऐसा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के संलग्न है। ओके, सो सिस्टम तब बनता है। अब दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर एंड आई एम नॉट जस्ट अ टीचर, मैं एक सिर्फ टीचर नहीं हूँ, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि विद्यार्थी की सेल्फ एफिकसी, विद्यार्थी की क्षमता क्या है, मेरे सारे विद्यार्थी हैं वो नाम लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन जब मेरे पास आए उनकी क्षमता यहाँ पे है, आई कैन डू दिस, एंड जब जाते हैं तो आई कुड डू दिस, ये होता है, अरे आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग दिस, तो ये ऐसे ही नहीं आया, उसके पीछे काफी सारी साइकोलॉजिकल किताबें, काफी सारी काउंसलिंग की किताबें, काफी सारे अनुभव है, 1000 से ज्यादा फैमिली की काउंसलिंग का अनुभव है मेरे पास,
वो मेरी लड़की को मैंने 10 साल की उम्र में नेशनल लेवल पे सिल्वर विनर बनाया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरे मोटिवेशन, क्योंकि बारिश के टाइम में वो आर्चरी की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो मैं उनको कोल्ड प्रैक्टिस करवाता था। इमेजिन करो, एक्चुअलाइजेशन करो कि सामने टारगेट है, यूं लिया ठक मारा 19 मीटर्स पे, आज का विंड क्या है, आज का विंड इस तरफ से, आज का विंड इस तरफ से, इतनी सारी चीज़ों को मैंने कीबोर्ड में मिला है जो दुनिया में किसी ने प्रयोग नहीं किया है, और ये मेरे गुरुजी की कृपा है। इट्स इदम नमम, ये मेरा नहीं है, मैं इट इज मेरे संस्था का नाम है मी फाउंडेशन, घटनाएं मेरे द्वारा, और मैं आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल गुरुज। मैं गुरु नहीं हूं, पर मैं एक गुरु की पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि सारे गुरुओं से मैंने बहुत लाइटली बात की, और कैसे है ना, अच्छा यार वो उनका स्टूडेंट का, तो वो अपने स्टूडेंट का दुखड़ा रोते हैं, और स्टूडेंट से प्यार नहीं, ऐसा नहीं, जब कोई स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है सर के पास जा रहा हूं, लेकिन गुरु को पता होता है। ओके बाबा जी डिवूड, उसके बाद कई लोगों से सीखना हुआ, तकरीबन आप समझिए ना 300 देश के लीडर से मैंने लीडरशिप सीखी है। लीडरशिप यानी हाउ टू सेट एन एग्जाम्पल, किसी का एग्जाम्पल क्या है, और ये मुझे, मैं प्रिविलेज्ड हूँ, ये मैंने किया नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हुआ है ऑफकोर्स, पर आई वॉज प्रिविलेज्ड कि मुझे दुनिया भर के, चाहे वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, अमेरिका, सारे देशों से लोग आते थे, बहुत पैसे जाते थे उसमें, तकरीबन लाखों रुपए गए हैं, मैं भी 25-30 लाख रुपए गए होंगे, क्योंकि सेमिनार सस्ते नहीं होते हैं जहाँ ज्ञान मिलता है, और वो लोग बोलते थे कि नॉलेज इज एक्सपेंसिव, गेन इट और इग्नोर इट, ऐसे क्लियर कट बोल देते थे, क्योंकि वो बिजनेस वर्ल्ड है, वो उससे वो उपार्जन करते हैं पैसे का, पर ये सारी चीज़ें दे दी। अब विद्यार्थी आता है घर पे, विद्यार्थी पेपर लेके जाता है, मैं अपना दुखड़ा नहीं रहा, प्लीज डू नॉट मिस इंटरप्रिट, मैं अभी बात आ रहा हूँ गुरु पे, जैसे मैंने आनंद जी की बात कही, अब वो इसी तरह से मेरी बात है, फिर मैं और लोगों की बात कहूंगा, ऐसे 3 या 4 एग्जाम्पल्स देके मैं विद्यार्थी जो भी नया संगीत के क्षेत्र में आ रहा है, पहले तो मैं मना ही कर दूंगा कि संगीत के क्षेत्र में मत आओ, कोई सिक्योरिटी नहीं है, रेशियो 8.00001 ऑफ सक्सेस, जिसको आप सक्सेस गिनते हो, डू अ गुड जॉब, और उसके बाद संगीत को एज ए हॉबी डेवलप करें, रियाज उतना ही करो, बट यू मस्ट हैव अ फुल टाइम जॉब, आने वाले समय में बहुत मुश्किल है। मेरा बेटा इस फील्ड में है, लेकिन मेरा हर दिन ऐसा होता है कि क्या होगा उसका, उसे फिक्र नहीं है, पर मुझे इस बात की, क्योंकि मैं बाप हूं, मुझे फिक्र होती है। अब एक एक करके लेके गए लेके गए, अब इतनी सरल पद्धति बनाई है मैंने कि व्यक्ति एक हफ्ते में सीख सकता है, जो अगर मतलब थोड़ा बेसिक बजाना है उसको, एक हफ्ते के अंदर वो सारे स्केल की मास्टरी ले लेता है, एक हफ्ते के अंदर ग्रेसेस की मास्टरी ले लेगा, एक हफ्ते के अंदर वो 4 पार्ट बजा लेगा। नाउ इफ ही इज लिसनिंग टू अ जैज नंबर, और वो जैज ही है जो मैं एक अमेरिकन आदमी से सीखा हूँ, कोई इंडियन आदमी से नहीं सीखा, मैंने ये सोचा था मुझे इंडियन सीखना है मैं इंडियन म्यूजिशियन के पास जाऊंगा, मुझे जैज सीखना है मैं अमेरिकन के पास जाऊंगा, मैं कोई इंडियन आदमी से नहीं सीखा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी दे यूज, और उनकी क्या फ्लेवर है, वॉट काइंड ऑफ टॉक डू दे टॉक, वो कैसे बात करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजों को समझने के लिए, और ताकि मुझे वो कॉन्फिडेंस रहे। हाँ मैंने ये बात अलग है कि कभी जैज म्यूजिक के लिए फुल टाइम अटैचमेंट नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके बाद मैंने अपनी सिस्टम बना ली जिसको मैं रागामोनी कहता हूँ, ये मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरे अलावा मेरे बाद मेरे विद्यार्थी करेंगे, पर इसकी शुरुआत मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि दुनिया में अभी तक किसी ने इस लेवल पे हारमनी और ये जोड़ा नहीं है। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जस्ट अ मिनट। या सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देर वॉज सम नॉइस आउट देर। तो अब वो विद्यार्थी आए, विद्यार्थी सीख के चले गए, डेवलप किया, रिजल्ट मिला, एंड वॉट आई एम सेइंग इज अ ब्लैक एंड व्हाइट। म्यूजिक फील्ड के कई लोग जानते हैं इस बारे में कि ये सीख के गया नाम नहीं ले रहा है, ये सीख के गया नाम नहीं ले रहा है,
और उन्हें लगता ही नहीं है। तो बात यह है कि गुरु को जज ना करे, यहाँ पे मुद्दा ये है कि भाई अरे यार इनका तो महल जितना घर है और इनके यहाँ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तो मतलब कि बहुत बड़े होंगे यार ये। एक गुरु ऐसे हैं कि कोई जाता ही नहीं था उनको, कोई पूछता ही नहीं था, अचानक उनके एक विद्यार्थी को बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे, या पूरी भीड़ चली गई कि अरे यार इनको सिखा दिया हम भी वैसे ही बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, बात वो नहीं है। ये वही वाली बात है कि फॉरेन के गार्डन को हम तारीफ करते हैं, इंडिया में आते ही कचरा फेंक देते हैं। थैंक यू, फॉरेन की गाड़ी वहां पे तारीफ कर देते हैं, वहां पे कचरा जेब में डाल के घूमते हैं, कचरे में डालते हैं, यहाँ आते ही तुरंत एयरपोर्ट पे धड़ से फेंक देते हैं। सो दैट इज वी आर नॉट वैल्यूएटिंग, हम लोग अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिवैल्यूएट करते हैं। ओके, जो नए लोग आए उनको मैं बता देता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट शिष्य को गुरु के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो नए लोग आए हैं उनके लिए। ओके, एक रियलिटी शो की हकीकत मैं आपको बता देता हूँ, ये असली किस्सा हुआ है कि एक सिंगर को पूछा गया कि आप किससे सीखते थे, मतलब नौशाद जी टाइप के संगीतकार ने पूछा। तो क्योंकि वो सिंगर ने बता दिया कि मैं ये टॉप के कोई म्यूजिक डायरेक्टर थे, इनसे सीखती हूँ। और जबकि एक बहुत बड़े गुजराती क्षेत्र के बहुत बड़े गायक हैं, उनसे वो सीखते थे। पर शायद मे भी उनको लगता है कि उनका इतना नाम नहीं जितना जिनका इतना बड़ा नाम है। देखो गुरु वो भी है, गुरु ये भी है। तो जब भी आपको कोई पूछे, और कम से कम आप YouTube पे डालो अपना अबाउट, जहाँ अबाउट डालते हैं ना, Facebook पे डालते हैं अबाउट, तो आप कहो किससे सीखा पहले, तो पहले मम्मी पापा से सीखा, पहले बाजू वाले अंकल से सीखा, यहाँ से सीखा, ये टीचर से सीखा, स्कूल में सीखा, उसके बाद यहाँ सीखा वहाँ सीखा, जितना है उसका एक कच्चा चिट्ठा डालने में क्या जाता है। क्योंकि जब आपका वो छोटा वाला गुरु है जिसको आप छोटा मानते हो, सो कॉल्ड छोटा गुरु, छोटा गुरु, छोटा गुरु मतलब बड़ा गुरु, गुरु छोटा कैसे हो सकता है। पर ये आप प्री जज करते हो, आप जज करते हो गुरु, ये ठीक नहीं है। मुझे इस बात की जागरूकता फैलानी है, और मैं ये बात क्रोध के साथ नहीं कहता हूँ, ये बात मैं बड़े व्यवहार के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको ब्लैक एंड व्हाइट रखना है। इसके लिए मैं उसको नेगेटिव नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं इसको पॉजिटिवली नहीं, नहीं बेटे कुछ नहीं, जितना बन सकता है उतना करो, डोंट डू दैट। एंड अगर आपको ये अच्छा लगे प्लीज़ डू शेयर इट टू पीपल, जो लोग नए संगीत के क्षेत्र में आ रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है, पर ये तहजीब हमें संभालनी पड़ेगी, बराबर है। अब वो जो सिंगर है उन्होंने रियलिटी शो में नहीं नाम दिया, और अचानक से वो फिर गुजराती जो सिंगर थे बहुत बड़े हो गए, अचानक से किसी को भारत रत्न टाइप का या इस टाइप का अवार्ड मिल जाता है, पद्मश्री। तो पहले बोले किससे सीखे, जी मैं इनसे सीखती हूँ, मैं इनसे सीखती हूँ। अच्छा इनसे सीखते हो, ओ माई गॉड। अब वो पता चला तीसरे नंबर पे जो थे जिनका नाम नहीं लिया जाता उनको अचानक पद्मश्री मिल गया, तो अब एक नाम ऐड हो जाएगा उसमें, एक नाम उसमें ऐड हो जाएगा, राइट, कि मैं इनसे सीखती हूँ, मैं इनसे सीखता हूँ, मैं इनसे सीखता हूँ। और अच्छा तीन नाम हो गए क्योंकि उनको पद्मश्री मिला। तो ये बहुत ही अपमानजनक वस्तु है, इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट ना करने लायक। तो ये नए विद्यार्थी को ये तहजीब समझनी है, इतना मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और किसी को आपने आपने कि आपको किसने एक गाने का एक पार्ट भी सिखा लिया ना कि इतना ही सिखाया, हाँ रा 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 रा, हाँ क्या बात, नहीं ये पार्ट मुझे ना उन्होंने सिखाया था, क्या जात क्या नुकसान होता है। क्या आप किसी जिन जो गुरु का नाम नहीं है उसका नाम लेंगे तो कौन सा नुकसान हो जाता है। और अगर आपके दूसरे गुरु होता है ऐसा कि गुरु बोलते अरे तू कहाँ यार उन सबका नाम लेता, मेरा ही अकेले का नाम लिया करो, जस्ट लीव दैट प्लेस, जस्ट लीव दैट प्लेस, वो जगह को छोड़ दीजिए। दूसरी लाइन पे गुरुजी का ही फोन आ रहा है, मुझे काटना पड़ रहा है। ओके, पर मैं बात कर लूंगा उनसे। मैं पूरी पूरा लिख के ताकि मैं कोई चीज चूक ना जाऊं विद्यार्थी की। और ये इसमें आप ये ना समझिए, गिल्ट मत करिए इस बात का, कहीं आपसे कोई गलती हुई है उसको गिल्ट मत करिए, पर इतना जरूर रखिए कि
आगे से ये मिस्टेक ना हो या आपके आगे वाली पीढ़ी ये मिस्टेक ना कर दें, हैव अ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि हजारों लोग जब सीखते हैं, अभी ग्रुप में हजारों लोग सीखते हैं, जब भी कहीं एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे मिलते हैं, अरे सर पल्लव सर नमस्ते, हम मैं आपका वीडियो देखता हूँ, तब पता चलता है कि बहुत लोग सीखते हैं। पर हाँ, मिले उन्होंने वो उतना उतना प्रकट किया वो भी काफ़ी है, उससे आगे उम्मीद नहीं है। लेकिन देखा जा रहे थे, वो जा रहे थे ना, वो अपना वीडियो, अरे ऐसा नहीं नहीं होता है। ओके, सो मैंने अपने चार्ट के बारे में बताया कि वो चार्ट एक ही पन्ने का है, पर वो चार्ट के पीछे 20 साल लगे हैं, और वो चार्ट में जैज हैं, वो चार्ट में मोड्स हैं, वो चार्ट में 4-पार्ट हारमोनी है, वो चार्ट के अंदर रागाज हैं, वो चार्ट के अंदर ग्रेस वर्क है, यूरोपियन बेस्ड और इंडियन ठुमरी अंग है, या उस तरह के जो है लाइट क्लासिकल जिसको हम बोलते हैं, उसके सारे ग्रेसिस हैं, वो एक पन्ने में है। एक पन्ने में उसके लिए है कि आपको घड़ी घड़ी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लेते हैं वो टाइम बच जाता है। ओके, सो इसी तरह से जितने भी गुरु हैं, आपको लगेगा कि हाँ भाई बिलावल हमने सीख लिया, बिलावल अभी मैंने देश राग में, देश राग से बहुत मुझे ये लगता था कि मुझे मेरे में कमी है, मैं देश राग नहीं कर पा रहा हूँ। पर शशि गोपालन जी है साउथ के, उनका देश राग मैंने जब सुना तो इतनी क्लैरिटी हुई कि मुझे जिंदगी में कभी देश, मुझे लगता था कि कीबोर्ड के लिए नहीं बनाए देश राग, ठीक है कि, पर वो बाद में उतने सारे चेंजेस उन्होंने करके बताए, और आधा पौना घंटा, अरे बाप रे, सो यू नेवर नो। तो मेरे लिए मैं बोला अरे बाप रे, एक देश राग इतने बड़े, अभी कांति भाई जी का भी मैंने देश राग रखा हुआ है, देश में मिक्स किया है उन्होंने, इतना ब्यूटीफुली दोनों निषाद लिए है, और नी कोमल के बाद नी शुद्ध लिया है, आप सुनिएगा मैंने डाला हुआ है, वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही डाला था। तो ये एप्लीकेशन हर एक का अपना है, और उनकी जान जाती है, स्किन चेंज होती है उनकी, तब जाके वो आता है। इट्स अ पेनफुल थिंग विच गुरु नेवर शेयर्स, हाँ बच्चे आ जाओ बेटे आ जाओ, ये करो वो करो, या गुरु डांट देगा तो बहुत डांटता है यार। सो ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है डांटने वाला। ओके, सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर अंडर रेट योर गुरु। एक बार ट्रस्ट, उसके लिए मैंने गुरु के लिए भी कैसे गुरु चुने उसके बारे में भी कहा है, बट नेवर अंडर रेट योर गुरु एंड ऑलवेज हैव, आपके पास उनसे ज़्यादा भी हो सकता है ज्ञान आ जाए, माँ की कृपा, और वो गुरु की ही कृपा होगी। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों के लिए प्रे करता हूँ कि मेरे से 50 गुना कमाए और मेरे से 50 गुना ज्ञान ले, क्योंकि मेरे बाद के ब्रेन सेल्स है उसके, उनके दिमागी सेल्स हैं, और उनका DNA है वो नया जनरेशन वाला है। सो लेट ही और शी मेक मोर मनी देन मी एंड गेन मोर नॉलेज देन मी, पर क्या होगा, यहाँ से ऊपर आए। मेरे साथ हुआ था, गुरुजी कहते थे कि शास्त्रीय पे ध्यान दो, शास्त्रीय पे ध्यान दो, मैं नहीं देता था, फिल्मी गाने बजा रहा हूँ, मदन जी के गाने बजा रहा हूँ, खुश हो रहा ना, अरे वो रईस खान साहब ने बजाया, तुमने नहीं बजाया, मैं खुश हो जाता था। बाद में कुछ साल के बाद उनके कॉन्सर्ट्स हुए, और वहाँ बैठ के मैंने पहली बार यमन कल्याण सुना, और उनका साजन राग है वो सुना, और काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस करते थे, तो पैरालाइज हो गया मैं, खच बंद एकदम सुन्न हो गया। और उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया कि नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, और उसके बाद मैंने ये कमिटमेंट किया कि आज के बाद मैं गुरुजी के साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं, मेरी औकात ही नहीं है। तो मैं गुरुजी कभी भी, कई बार बोलते थे साथ में बैठ के क्यों नहीं बजाता है, मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं बताया नहीं कभी उनको, पर अभी मैं पब्लिकली बता सकता हूँ, क्योंकि नहीं समझ में आता था उस उम्र में। तो ये उम्र होती, मैं ये नहीं कहता हूँ विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी विद्यार्थी के फॉर्म में पूर्ण ज्ञानी होगा तो वो गुरु बन जाएगा। विद्यार्थी इज हैज अ राइट टू मेक मिस्टेक, अ स्टूडेंट हैज अ राइट टू मेक मिस्टेक, पर स्टूडेंट को तहजीब तो रखना पड़ेगा, तहजीब नहीं रहेगा तो वो स्टूडेंट नहीं। ये सारी क्लैरिटी मैं लोगों को घंटों घंटों पूछ के, मैंने गुरुओं के दर्द देखे हैं। ओके, किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने देखा कि जैसे हम लोग कई बार लिखते हैं ना कि भाई कोई ऑफिस में अपन लेटर लिखते हैं तो हमें पता नहीं कि रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट और रिस्पेक्टेड दिस थिंग एक्स वाई जेड, वो जो पोस्ट है, तो हम लिखते हैं टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने ऐसे लिखा था कि मेरे जितने भी जाने अनजाने में गुरु है, और ऐसे नहीं, मैंने आज पूनम राज जी करके एक सिंगर हैं,
उनका मैंने आज से एग्जाम्पल है वो, उन्होंने वो रविंद्र जैन जी के बारे में, लता जी के बारे में, सबके बारे में बोला है उन्होंने, वो बहुत अच्छे से एग्जैक्टली वो एक्चुअली फर्मो है, और उसको हृदय में रख लेना है, हमारी आत्मा में रख लेना है, इससे क्या नुकसान है? मैं आपको वाई बताऊंगा, वाई वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट हमारे गुरु का, जाने अनजाने में अनादर क्यों नहीं होना चाहिए, उसका वाई भी आपको बताऊंगा, आज मैं पूरा क्लियर करूंगा इस चीज को। सो टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न, और जिन्होंने भी मेरा, तो ये नहीं, ये ठीक नहीं है। आप बोलिए कि मैं मेरे माता पिता से सीखा, पहली फोटो उनकी लगाई, आज एक विद्यार्थी ने, मैंने देखा था, म्यूजिशियन है, तो उन्होंने लिखा है कि टू माँ मेरे सर्वस्व मेरे गुरु, और उनकी फोटो लगा दी थी, तो मैंने उनको कमेंट दिया कि कौन है ये, हमें नहीं पता, तुम्हें पता है तुम्हारे गुरु है, प्लीज लिखो कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे डैडी है, या तो ये मेरे गुरु जी हैं, उनका नाम ये है, वो इस शहर में रहते हैं। अपना क्या नुकसान जाता है जब वो गुरु देखते हैं ना कि अरे मेरा विद्यार्थी ने मेरा नाम लिखा है, इट मेक्स अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। नेवर मिसमैच विथ योर गुरु। अगर आप ए आइडियोलॉजी को मानते हो, समझो कि आप मानते हो आप शिवपंथी हैं और आपके गुरु कृष्णपंथी हैं, धाड़ से डिसरिस्पेक्ट कर देते हो, नहीं ये ठीक नहीं है। आप शिवपंथी हैं, वो कृष्णपंथी हैं, आप ये पंथी हैं, वो पंथी हैं, वो आपके गुरु हैं, आप उनसे ज्ञान लेने जाते हो, वो चाहे आध्यात्म हो चाहे वो, हाँ वो पजेस कर रहे, हैव योर राइट, हैव योर ओपिनियन, इट इज योर राइट टू हैव योर ओपिनियन, बट डू नॉट, मैं सारी चीजों को मिला के आपको ये बात कह रहा हूँ, जो लोग नए आए हैं उनको बारे में ये कह रहा हूँ कि गुरु को, शिष्य को गुरु के बारे में, और शिष्य गुरु की तहजीब बहुत ही मशहूर है, लेकिन उसको मैं सरल सहज भाषा में कहना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु कभी अपने दर्द शिष्यों को नहीं बोल पाते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्या होता है कि शिष्य भी बाहर रह गए, अरे यार मानो मैं ये सर से ये सीखता हूँ, इनका ये अच्छा है, इनका वो अच्छा है, ओ आई मीन कम ऑन, हु आर यू टू जज? क्या आप अपने अपने गुरु का कभी जैज म्यूजिक सुना है आपने? क्या आप अपने गुरु का की आध्यात्म के बारे में सुना है? नहीं नहीं पर नाम है ना इनका, वो पियानो बहुत अच्छा सिखाते हैं और ये इंडियन क्लासिकल बहुत अच्छा, कौन बोलता है आपको? कभी आपने आइडिया लिया? मैंने कांति भाई जी से एक बार बात की, जब मैं नया नया मोड सीख के गया था, थोड़ा सा हवे में था, तो मैंने पूछा उनको कि सर मैं अभी मेरा कभी ये मकसद नहीं था, मेरा ये मकसद था कि सर आपकी कृपा से मैं ये ज्ञान ले रहा हूँ, मेरा यही मकसद था, बट स्टिल अब मुझे ही नहीं पता कि उनको इस बारे में पता है, मोड्स के बारे में पता है। उन्होंने बोला कि हाँ 7 कमरे रखा दो, एक आप वही सारेगामा पधनिसा सीस का स्केल, एक में सी का तानपुरा लगाओ, एक में डी का तानपुरा लगाओ, तो वो सी वाला कहेगा कि बिलावल थाट है, डी वाला कहेगा कि काफी थाट है, ई वाला कहेगा कि भैरव थाट है, भैरवी थाट है, सो राग है। सो कहने का मतलब क्या है कि वो उन तुम्हें आई वॉज जस्ट कि अरे यार मैं, इनको तो सब पता है, राइट? सो ये उनके लिए एक टेक्निक थी जिनको हम मोड्स कहते हैं। सो नेवर नेवर एवर अंडर रेट योर गुरु, कभी जज मत करो, कभी प्री जज मत करो, आप अपने चश्मे से उनको मत देखो। और दूसरी बात, जब एक गुरु के वहां जाते हो तो उस गुरु, दूसरे गुरु के चश्मे पहन के वही गुरु को मत देखो। हम लोग क्या करते हैं ना कि ये गुरु की आंख से उनको, इस घराने की आंख से उस घराने को देखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं, किसका नुकसान है? गुरु का तो हो गया, नाम हो गया, गुरु की जिंदगी सेट है, नुकसान आपका है। बिकॉज वेन यू डू दिस थिंग्स, योर अनकॉन्शियस माइंड, जो आपका अंतर्मन है, जो आपकी बरसों की मेमोरीज है आपके डीएनए के अंदर, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड हम जिसको कहते हैं, दैट उसको हर्ट होता है वो, क्योंकि वो आत्मा के विरुद्ध की बात है। तो ये ना करें, ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप जिस गुरु के पास जाते हो उसको 100 मानिए, और इस गुरु का और इस गुरु से विपरीत है तो आप अपना जजमेंट, अपना निराकरण कर सकते हो कि नहीं भाई मैंने इनसे ये लिया, पर कभी ये बोले मत इनका ये इंडियन बहुत अच्छा है, मैं इंडियन इनसे सीखता हूँ और वेस्टर्न इनसे सीखता हूँ, ये बहुत गलत बात है, डू नॉट से दैट। हाँ आप पोलाइटली हम्बली कह सकते हो कि हाँ मुझे इस बारे में बहुत मार्गदर्शन इन्होंने दिया, उनको इंडियन आता है, ऐसे मत बोलो आप, हो सकता है वो वेस्टर्न कभी बजाते ही ना हो, सो ये गलत है थोड़ा सा। सो वेलकम प्रकाश, इसके बाद एक विषय पर प्रकाश के साथ भी लाइव करना चाहूंगा, मैंने आज मैसेज के लिए तैयारी कर ली है। सो
और किस प्रकार के? हाँ, पैसे दिए हैं मुझे एक विद्यार्थी ने, ऐसे बोला। हाँ, थैंक यू प्रकाश। एक विद्यार्थी बोलता है, मैं, अरे सीखा तो क्या, पैसे दिए उनको। अबे तू मैकडोनाल्ड में बर्गर खाने नहीं गया था वहाँ? गलत है ये तो, बहुत ही गलत है। कंडे में बलि, ये क्या वो, हाँ बाहर जाके कौन, नहीं वो बाहर जो काउंटर लगा रहता है जहाँ वो सामने, अरे एक मैक्सवेल दे दो। तो मैक्सवेल धाम से बाहर खिड़की पे आता है 3D में। नहीं है ऐसा, मत करो, ये ठीक नहीं, ये कंप्लीट एलियनेशन है, ये कंप्लीट मानहानि है कि पैसे दिए हैं, आप प्रिविलेज हैं उस चीज को लेकर के। सो डोंट डू दैट, ये ना करें। बोलते हैं लोग बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं थ्रेट करता हूँ आपको, रिस्ट्रिक्टिंग गुरुज टेरिटरी। अच्छा, गुरु और विद्यार्थी, समझो सिखा रहा है, एक कीबोर्ड प्लेयर या तबला वादक है, वो कहीं जाके बजा रहा है ऑर्केस्ट्रा में, फिल्म इंडस्ट्री में या क्लासिकल कॉन्सर्ट्स, एंड सडनली उनको कहीं बाहर गांव जाना पड़ा, उन्होंने विद्यार्थी को रख दिया। अब वो क्लाइंट ने देख लिया, अरे ये तो इसका ही क्लाइंट ऐसे सोचता है, ये इसका ही चेला है। हाँ मैं वो पहले बोल चुका हूँ, यस प्रकाश नोज अबाउट इट, कि बहुत लोग सीखे हैं और वो नाम नहीं लेते, पर क्या करें, नहीं लेते तो नहीं लेते। और हमने तो यह दोस्ती यारी में सिखाया था, पर ये गुरु शिष्य तो बने ही हैं, भले दोस्ती यारी में सिखाया, पार्टी में सिखाया, पर सिखाया तो था। सो यस, और मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि संगीत मेरी वन ऑफ दी फैकल्टीज में है, संगीत मेरी जिंदगी नहीं है, नहीं देते, ये बिल्कुल सही है प्रकाश। और मैं अपने मुद्दे आगे बढ़ाता हूँ, फिर तुमने मेरे अंदर के जानवर को मत जगा, संजीव कुमार आ जाएगा मेरे। ओके क्या करते हैं वो, जो अपने गुरु ने सब्स्टिट्यूट करके भेजा, पता चला वो गुरु की वहां से छुट्टी हो गई और ये विद्यार्थी वहां जुड़ गया, क्योंकि विद्यार्थी यंग होता है ऑब्वियसली, गुरु से 5-10 साल यंग होता है, और वो लोग देख लेते हैं कि अरे यार ये तो वैसे ही उनके गुरु का चेला है, मतलब वैसे ही बजाता होगा, और अपने को तो इतना ही चाहिए ना, अपने को किधर 50 राग बजाने, तो ये ठीक नहीं है। और अगर ये है तो जिंदगी भर इस बात को याद रखिए, एंड डू नॉट कैटेगराइज योर गुरु। मैं ना सर से, मैं पहले थोड़ा बजाता था, कई लोग ये बोलते हैं कि आई एम अ सेल्फ टॉट गाई, मैं सेल्फ टॉट गाई हूँ, फिर कोई बोलता है अबे पागल तेरा नाम बड़ा हो रहा है, तू सेल्फ टॉट बोलेगा बदतमीज लगेगा, तो बोलते हैं कि हाँ मैं वैसे शुरुआत अपने से की थी, और मैं किशोर दा के गाने गाता था, रफ़ी साहब के गाने गाता था, ये बजाता था वो बजाता था, और फिर मुझे एक गुरु मिल गए, बाद में वो एक टैग्ड गुरु, हम जिसको जब बड़ा गुरु बोलते हैं ना, बड़ा गुरु छोटा गुरु जो हमारे छोटे दिमाग में आया है, वो बड़े गुरु नाम के टैग को हम यूज़ करते हैं कि आइया। और फिर मैं इनके वहाँ भी गया था, क्योंकि जैसे मेरे पास स्टेटस सिंबल है, मैं आई हैव अ मर्क, यू नो आई हैव अ मर्क, यानी मैं इनसे सीखता हूँ। यू कांट लर्न, आप नहीं सीख पाओगे, और सीखोगे तो सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये सारा जो है फ्रंट में जो नया नई पी हम जो बंदर थे और उसमें से इंसान बने, तो जो नया हिस्सा इधर आया बाद में, पहले जो इतना हिस्सा है दिमाग का पुर्जा, वो एक उसके हाथ में सारी सत्ता है, आपका किडनी लीवर नॉन जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो ऑटोमेटिक हैं, हृदय है किडनी है लीवर है, वो सारी प्रक्रियाएं इसके पास है, और आत्मा भी इसके पास है, तो आत्मा चिल्लाएगा और वो आपका एड्रेनालिन हाई करेगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपको 40 साल में ब्लड प्रेशर आएगा डेफिन, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको विज्ञान बता रहा हूँ। सो प्लीज डू नॉट डू, अगर आपको हंसना है दिल से खुल के हंसना है, जिंदगी और सुख और ग्रेटिफिकेशन यानी आनंद और सुख का अंतर समझिए, संगीत हमें आनंद के लिए चाहिए, सुख के लिए नहीं, सुख के लिए हम प्रोग्राम करने जाते हैं, पेमेंट देता है उससे, हम लोग जो गाड़ी लेते हैं बंगला लेते हैं उससे सुख मिलता है, और सुख एक इवेंट के लिए, मैंने गाड़ी ली मैं बहुत खुश हूँ आज, तो वो सुखी नहीं है, आप खुश है आज, मैं आज गाड़ी ली मैं सुखी हो गया जिंदगी, ऐसा नहीं होता, ये गाड़ी थोड़े दिन में पुरानी हो जाएगी। सो ये इतना फिलोसॉफी में नहीं जाना है अपने को, बेसिकली कीप इट सिंपल, किस KIS, कीप इट सिंपल, जितना सरल रखेंगे, भाई ये कौन है, ये मेरे गुरु है यार, मेरी किस्मत है। अभी आप सोचो राजकोट में कांतिबाई सोनचित्रा जी नहीं होते थे, तो मैं BSc हूँ, तो कोई MR बन के कोई डॉक्टर के वहाँ बैठता था, हाँ सर मैं
जाइडस कैडिला इसके लिए काम करता हूँ, और नई प्रोडक्ट आई है देखिए, ये हार्ट के लिए अच्छी है, ब्रेन के लिए, मैं वही करता था, राइट। अगर कांति बाई सोन छत्रा जी वहां पे नहीं, तो मैं अक्सर सर को बोलता हूँ कि सर आपकी आपकी किस्मत के बारे में मालूम नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी है कि आप कलकत्ता से मेरे लिए राजकोट गए थे। मैं ऐसे बोलता हूँ उनको, और वो हंसते हैं फिर कि अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता था, और ये सच बात है। तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या, मुझे काफ़ी साल लगे उनको समझने में, आज भी आधा घंटा बात होती है, वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, और ऐसे नाम होता है, अभी मैंने साउथ इंडियन रागा हो चाहे नॉर्थ इंडियन रागा हो, इतना ज्ञान लेके बैठे हैं। मेरा क्या जाता है, मेरा जैसे ही वक्त मिलेगा मैं तुरंत फ़ोन कर देता हूँ, अभी फ़ोन करूँगा, सर आपका फ़ोन काटा है सॉरी, मैं फिर आधा घंटा बात हो जाएगी। और मैं महान हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये मैं, दिस इज मी सिम्बोलाइज एज अ स्टूडेंट, एंड कांति बाई सोनछत्रा जी सिम्बोलाइज एज अ गुरु। तो एक विद्यार्थी को गुरु से गुरु गुरु के साथ कैसे पेश आना है, और जैसे प्रकाश कह रहे हैं वैसे कि भाई जो किसने आपको एक पार्ट भी, इसका तो एक पन्ने में है क्या पूरा, अरे एक पन्ने में आ गया पूरा शास्त्र, अब उसको है आपको एम्फेसाइज करना है, पॉपकॉर्न दिए आपको इतने में, इतना बड़ा पतीला भर जाएगा, भरो उसको। सो मैं इसको ह्यूमरस कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसको सीरियस नहीं करना है हमको, पर इसको सिंसियरली लेना है, वी डोंट हैव टू मेक इट सीरियस, बट इस चीज़ को लेना सिंसियरली है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं, जैसे मैंने कहा कि जजमेंट कर देते हैं, ये बहुत अगत्य का, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। इस मुद्दे के अंदर यह है कि मैं एक स्पिरिचुअल बिलीफ में मानता हूँ, या मैं एक धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं एक संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, मैं एक विचारधारा से बिलोंग करता हूँ, स्पेशली स्पिरिचुअलिज्म की बात करता हूँ मैं, समझो कोई बुद्धिज्म फॉलो करता है, कोई जैनिज्म फॉलो करता है, कोई हिंदुइज्म फॉलो करता है, कोई इस्लाम फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, सब अलग अलग है, कोई जूडिज्म फॉलो करता है, वॉट एवर इट इज़। आज मैं कांति भाई के साथ बात करता हूँ, मैं उनको नाम से बुलाता हूँ क्योंकि मेरे पापा के बराबर है, मतलब पब्लिकली मैं कांति भाई जी या श्री कांति भाई, पर मैं उसको सर बोलता हूँ, या फिर मैं उनका नाम उतना हक से ले सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो बात करते हैं ना, मुझे लगता है कि मुझे तो सारा ज्ञान है, बुद्धिज्म आप बताइए, भगवद गीता, दास बोध आप बताइए, मेरे पास ज्ञान है, और फिर फोन लगाते हैं ना, क्योंकि गुरु इसके लिए गुरु है क्योंकि वो गुरु है, वो बड़ा है, और फिर वो कुछ बात करते हैं धड़ 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 धड़, एंड एंड यू नो लिटरली वही जो मैंने कहा कि वो ऐसा इंजेक्शन मार देते हैं कि पैरालाइज हो जाता है, ऐसे फ्रीज हो जाते हैं हम लोग, यार ये तो मैंने सुना ही नहीं, और फिर मेरी तो हंसी छूटने लगती है जब गुरुजी ऐसे मैसेजेस, कृष्णा के बारे में पता नहीं कितने घंटे उन्होंने बोला होगा, भगवान कृष्ण के बारे में इतना बोला है उन्होंने, और हर बात वो नई बात करते हैं जो मुझे नहीं पता है, एंड ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट, वो मुरली बजाते हैं या वो भक्ति भाव की बात नहीं करते, एवरी टाइम ही इज टॉकिंग समथिंग न्यू दैट इज रिलेटेड टू म्यूजिक। अब ये है कि मैं कोई धर्म जगह, मैं अपनी धार्मिक जगह पे जाता हूँ, उस धार्मिक जगह पे मुझे कोई गुरु मिलते हैं, तो वो गुरु मुझे आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, वो भी गुरु है, पर जब एक पर तो मैं ये नहीं कि नहीं, मेरे तो आध्यात्म के लिए मेरे पास अलग पैकेज में अलग गुरु है, ये गुरु तो मेरा, अच्छा आप मुझे स्केल बता दीजिए ना, ये मुझे बहुत ही अखरता है। विद्यार्थी आके पेशेंट आके डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, मेरे को बहुत वीकनेस लगता है, अरे तू क्यों जज कर रहा है भैया, वो डॉक्टर है, उसने पूरी जिंदगी, भाई मेरा डॉक्टर है, उसके बाद पेशेंट आके बोलते हैं सर आप ज्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बनता है, अब वो हंसता है उस बात को लेकर, अरे हाँ अच्छा ऐसे, हाँ नहीं मैं मेरी वाइफ को बोल देता हूँ, वो मजाक भी करता है, वो मेरी वाइफ को बोल देता हूँ, पर ये चीज़ हम अपने गुरु के पास जाके बोलते हैं, सर आप मुझे ना फटाक से ये वाला एक्सरसाइज दे दो, राइट, ये ठीक नहीं है, आप उनको सौंप दीजिए, वो विश्वास है, अगर विश्वास नहीं करोगे, खुद पे भी विश्वास करोगे तो सब पे विश्वास होगा, सफलता भी मिल जाएगी जिस दिन, तो रब पे विश्वास होगा, हमारा मापदंड सफलता है, हमारा मापदंड परमानंद आध्यात्मिक वो थोड़ी है, अरे यार वो उनके पास जाता था देखो, 5 गाड़ी लेके घूम रहे, चलो मैं भी उसके पास जाता, अरे वो क्या श्रद्धा से गया वो देखो, इसी वजह से तो गुरु तो वही दे रहा है, विद्यार्थी के लेवल में क्यों फर्क पड़ता है, तो वो विद्यार्थी के कटोरे में प्रॉब्लम है, गुरु तो बांट रहा है, बांट रहा है,
आप यूं करके खड़े पर आपके कटोरे में जगह उतनी ही बची है, एंड दैट आर दोज आर योर प्री ऑक्यूपेशंस, कस्टम, ट्रेडिशन, पास्ट इंसिडेंट, प्रीसिडेंट, जिसे हमने बॉक्स बॉक्स में रख देते हैं। वो मेरे बाकी लेक्चर्स में बोला, इसके बारे में मैं इतना एलोबरेट नहीं करूंगा इस बात को, पर अध्यात्म का ज्ञान अपने गुरु से भी ले सकते हो। आप अपने स्पिरिचुअल गुरु से लीजिए, लेकिन अगर अपने आपके गुरु के पास भी आध्यात्मिक ज्ञान है, चाहे वो पैरेलल हो, लेकिन अगर गुरु स्पिरिचुअल है, तो जब चुना है आपने तो आपने सोच के ही चुना होगा, तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है और संगीत में उसका एप्लीकेशन क्या है, वो आपको यही गुरु बता सकता है, उसको वो गुरु नहीं बता सकते क्योंकि वो संगीतज्ञ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट लगा है मुझे, जो जो मुझे जैसे कांति भाई जी से मुझे जो सीखने को मिला है, दोज आर अमेजिंग थिंग्स, अमेजिंग थिंग्स है, नॉट म्यूजिक। होम्योपैथी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में 25-30 साल से सुनते आ रहा हूँ कि अर्जुन है या दूसरे जितने भी अभिपत्तिकर है या इतने ये चूर्ण है वो चूर्ण है। अब उन मुझे लगता था कि इनका क्या लेना देना, जब मैं यंग था तो ये क्यों इतने सारे चूर्ण की आज मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये जैसे म्यूजिक इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेवर डू अ कंपैरिजन, कभी कंपेयर मत करें कि यहाँ जाते हैं, हाँ ये सर का इंडियन बहुत अच्छा, लेकिन सर वेस्टर्न का तो मेरे को फिर इधर ही जाना पड़े। आई मीन आप कहाँ, कोई आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटेड हुए एज अ जज, हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए आप, वाई आर यू जजिंग योर टीचर, ये ठीक नहीं है ये। सो आई वुड रिक्वेस्ट, मैं मतलब कभी ऐसे नेगेटिव साइड जाऊं तो फिर ये समझ लेना कि ठीक नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं करना चाहता हूं इसको। और एक मुद्दा है, नेवर यूज लॉजिक, लॉजिक का इस्तेमाल ना करें, तर्क बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। एक बार आपने ट्रस्ट किया उसके बाद आप कंटिन्यूअसली ट्रस्ट करें, वंस यू ट्रस्ट देन नेवर, वो ट्रस्ट को तोड़िए मत, लॉजिक मत लगाइए। लॉजिक ये लगाते हैं कि इन सर से मैं ऐसे कर लूँ तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये सर से ऐसे कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। आप सर को सौंप दीजिए, और जैसे मैंने कहा कि मंथली आप पूछिए कि सर मेरा पिछले महीने के हिसाब से, मेरे कांति भाई जी का तो ये था कि वो लास्ट में एक पेज होता था उनमें उनका सिंबल एक कोई चाइनीज टाइप की लैंग्वेज में कुछ लिख देते थे, तो वो बोलते थे लास्ट टाइम तुम्हारा ये ठीक नहीं हुआ, अरे वेलकम सतीश। द सब्जेक्ट इज अबाउट गुरु को, शिष्य को गुरु के साथ क्या तहजीब करनी है, कैसे पेश आना है, उसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। एंड हर गुरु अपने शिष्य को अच्छा व्यक्ति देखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू सी हिज स्टूडेंट एज अ गुड ह्यूमन बींग, नॉट जस्ट अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन और नॉट जस्ट अ सक्सेसफुल सेलिब्रिटी और नॉट जस्ट अ मिलियनर। हर गुरु है वो अपने विद्यार्थी को एक अच्छा इंसान देखना चाहता है, तो ये बात का ध्यान रहे। आपको इन सब बच्चों को आइडिया नहीं होता, ये बहुत सारे गुरुओं ने अपना पेन मेरे पास शेयर किया है, घंटों शेयर किया है, उससे मैं निकाल के आपको ये बता रहा हूँ कि हर गुरु अपने विद्यार्थी को एकदम अच्छा आदमी बनना, क्योंकि आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति करनी है हम, अरे यार खुशी मिली, खुशी के लिए नहीं कहता है गुरु, आपको खुश देखना चाहता है, पर गुरु आपको सुखी देखना चाहता है, गुरु आपको परमानंद देना चाहता है थ्रू संगीत। तो ये संगीत है जो दुनिया का सबसे बेस्ट टूल है टू रीच टू योर एक्सट्रीम जॉय, आनंद। आनंद का कोई विरोध नहीं है, सुख का दुख है, आनंद का दुखानंद ऐसा कुछ नहीं है, आनंद का आनंद ही है। तो गुरु आपको आनंदित करना चाहता है, गुरु आपको सुखी देखना चाहता है। क्या करना है, गुरु कहे ए प्रमाणे सीखो, मैं गुजराती में लिखा है, सो गुरु जैसा कहते हैं वैसे ही सीखो, नॉट योर वे। हाँ सर मैं थोड़ा विटामिन का इंजेक्शन दे दो ना यहाँ पे, मेरा थोड़ा वीकनेस आ रहा है, अरे दे वाइटल साइन चेक करने दो। गुरु आपके वाइटल साइंस चेक करते हैं, जैसे लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं ना, ब्लड, ये प्लेटलेट्स क्या है, वाइट WBC कितना है, RBC कितना है, वैसे गुरु के पास आपके वाइटल साइंस होते हैं, तो वो लगता है हाँ ये विद्यार्थी में RBC कम है, ये विद्यार्थी में ब्लड, ऐसे सिंबॉलिकली बोल रहा हूँ आपको। सो व्हाट ही सेज यू शुड फॉलो, ही और शी सेज यू शुड फॉलो, नॉट व्हाट यू टेल हिम। सर मेरा थोड़ा मेरे को 15 दिन है मेरे पास, आप अच्छा स्केल वेल टाइप का कुछ दो ना, लेफ्ट हैंड सॉलिड बना दो ना मेरा। मुझे मुझे तकरीबन 800-900 मैसेज आए
कि सर मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा ठीक कर दो ना। अरे भाई आपको पता ही है आपका लेफ्ट हैंड ठीक, आप ही कर लीजिए फिर। और ये टेढ़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेट द गुरु डिसाइड योर वाइटल साइंस, लेट द टीचर डिसाइड योर वाइटल साइंस। आपके वाइटल साइंस क्या है, आपका वाइटामिन बी की कमी है या आप में कैल्शियम की कमी है, वो गुरु को पता चलेगा। आप ये कहते हो कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, भाई ऑस्टियोपोरोसिस के लिए टेस्ट करना पड़ेगा आपको, आपका कैल्शियम लेवल चेक करना पड़ेगा, फिर गुरु बोलेगा ठीक है। पर आपने उनको बोल दिया मुझे वाइटामिन बी दे दो, वीकनेस लग रही है, भाई आपको कैल्शियम की जरूरत है, अभी वाइटामिन बी की जरूरत नहीं है। तो वो आपको आपका टीचर डिसाइड करके, क्योंकि उसके लिए बहुत लोग हैं। आज मुझे कोई भी विद्यार्थी बहाना बनाता है तो वो बहाने के 50 मैसेजेस मेरे पास पड़े थे, मैं तुरंत उनको वो मैसेज के मैं नाम निकाल के भेज देता हूँ कि तुम्हारे पहले 50 लोगों ने यही मैसेज भेजा है और इसका मतलब ये है। बिकॉज गुरु ने बहुत सारे विद्यार्थी, उसका काम ही वही है। आप दुनिया घूमते हो, गुरु नहीं घूमते, गुरु वही कर रहे हैं, गुरु के पास विद्यार्थी आते हैं। सो डू एग्जैक्टली वॉट योर टीचर सेज, डू नॉट यूज योर ब्रेन। वेन यू आर यूजिंग योर ब्रेन यू बिकम लॉजिकल, एंड लॉजिक जहां है वहां इंट्यूशन नहीं आ सकता है। लॉजिक एंड इंट्यूशन को, लॉजिक इज लेफ्ट ब्रेन, इंट्यूशन इज राइट ब्रेन। सो जब आपको दोनों को मिक्स करना है, देन वो कड़ी जो है लॉजिक एंड इंट्यूशन को जोड़ने वाला टेक्निकली, वो आपको आपका टीचर बता सकता है। वो आप नहीं कह सकते, आप बोले सर मेरे को लॉजिकली कुछ स्ट्रांग दे दो, तो बोलेगा ऑलरेडी तेरा इंट्यूशन ऐसे लटक रहा है, कुछ है ही नहीं वहां पे। सो ही विल वर्क ऑन योर इंट्यूशन और लॉजिक अकॉर्डिंग टू व्हाट ही नोज अबाउट यू, और वो ट्रस्ट करना चाहिए या फिर मत जाइए। गुरु ने तो आपको कसम नहीं दी थी, बेटे कहाँ घूम रहे हो, आ जाओ मेरे पास, मेरे चरणों में आओ, मैं मेरी जेब में आ जाओ, ऐसा तो नहीं बोला है ना। ओके फाइन, मैं अभी एंड एंड करने की प्रक्रिया में हूँ। अचीव करने के बाद, ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि हर मंथ यू हैव टू डू अ फॉलो कि ओके सर वेर एम आई एंड वेर आई शुड बी, डू यू सी एनी डिफेक्ट्स इन मी, डू यू वॉन्ट मी टू चेंज, डू यू वॉन्ट मी टू इम्प्रूव। अगर डिफेक्ट यानी नेगेटिव है, यू वॉन्ट टू से इट इन एफर्मेशन कि वॉट चेंजेस शुड आई मेक टू बी अ बेटर मी, मैं अपने आप को और अच्छा करूं। उसके लिए हर आपके जो भी टीचर है आप उनको पूछिए हर महीने, और वो एक बकायदा चार्ट होना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल में चार्ट लगता है पेशेंट रिकवरी का, वैसे ये चार्ट होता है इम्प्रूवमेंट का चार्ट। तो आपको पता चलेगा, अच्छा नहीं नहीं लास्ट मंथ तक तो मैंने नहीं, मतलब सर कुछ हो नहीं रहा है, अरे क्या इतना तो पहले आया तो कुछ नहीं बजाता था, हाँ ये तो है, अरे तो क्या, कीप अ चार्ट, कीप अ चार्ट एंड कीप ऑन आस्किंग योर गुरु दैट। और वो कब तक, मरते दम तक, जब तक आप जिंदा है यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग। मैं आज भी पूछता हूं। जी, ओके, हाउ कैन आई इम्प्रूव, व्हाट्स द स्टेप्स, हाँ व्हाट स्टॉप्स मी फ्रॉम ग्रोइंग, एक सवाल है व्हाट स्टॉप्स मी फ्रॉम ग्रोइंग, और सवाल पूछते रहिए कि सर मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, सर मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपको कहीं कोई एंगल में, जैसे अभी मेरे पास अभी एक सिंगर सीख रहे हैं, तो जब उनका गाना सुनता हूँ मैं तो लगता है यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, और फिर जब उनको मैसेज देता हूँ तो 5 गड़बड़ में से 3 मेरे से स्किप आउट हो जाती है, क्योंकि एवरी टाइम मैं पेपर लेके नहीं बैठा हूँ, कहीं सुन लिया रात को 2:30 बजे। तो अब उन इसीलिए मैं उनको पूछता हूँ कि ओके मैंने वो कल भेजा था या उसमें व्हाट डू यू थिंक, डू यू नीड एनी चेंज इन द, अरे हाँ हाँ मैं आप भूल गया आपको, वो आपको गुरु को याद दिलाना है। मुझे तो कई लोग ऐसे बोल देते कि सर एक आध वीडियो निकाल के लिंक भेज दो ना मेरे को, तो मुझे मजाक सूझता है कि फिर मैं बोलता हूँ अच्छा फिर आपका एड्रेस दे दो, आता हूँ, आपको कहीं हाथ बात दुखेगा तो मसाज करूँ। आई एम रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, मतलब मैं बहुत मजाकिया उसमें कह रहा हूँ आपको, दिस इज रॉन्ग, यू शुड कीप ऑन आस्किंग योर गुरु, क्योंकि गुरु के पास बहुत सारी फाइलें हैं आपके जैसे, और कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान बन गया या कोई एकदम छोटा म्यूजिशियन, छोटा कोई नहीं होता है, पर वो अवॉर्ड के या उसके नाम नाम के उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, उनके लिए सारी फाइलें बराबर होती है, गुरु के लिए सारी फाइल्स बराबर होती हैं। आपको लगता है कि मैं वीआईपी कैटेगरी में हूँ, एंड डू नॉट एवर ट्राई टू एक्ट लाइक अ वीआईपी, ये ठीक नहीं है। आपका आत्मा, जो मैंने कहा जो यहाँ दिमाग है छोटा वाला, ये नया ब्रेन है, और नया ब्रेन और छोटे ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ये इतना फास्ट है, जब ये लॉजिकल हो जाता है तो ये घबरा जाता है और ये सारे नेगेटिव हॉर्मोन्स छोड़ना शुरू कर, कोर्टिसोल वगैरह जिसको बोलते हैं, आई एम नॉट मिस्टेकन अगर नाम लेने में, तो
ओके अभी डिजिटल एज है, अभी आप एक बात समझिए कि हम लोग जब सीख रहे थे तो टेप रिकॉर्डर नहीं थे, फिर कुछ हर साल के बाद टेप रिकॉर्डर्स आए तो हम लोग रिवाइंड कर करके गाना सेट करते थे। आज आपको हर चीज़ मिल जाती है, आज आपको हर चीज़ मिल जाती है धड़ल्ले से, तो आपका माइंड इतना फास्ट हो गया। ये ऊपर वाला माइंड, नॉट द दी दी ओल्डर जो बरसों से चला रहा है, लाखों सालों से, वो ये कुछ ही साल में। और आप लोग तो डिजिटल जनरेशन है, तो आपने अचानक से 100 राग सुन लिए, 200 राग सुन लिए, बिकॉज यू आर एसेसेबल टू इट। राग मिल गए, जैज मिल गया, पॉलीरिदम मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई हैं, राइट? सो नाउ आपको आपके अंतर्मन को और आपके जो जो पुराना दिमाग है, जो बड़ा भाई है, मैं उसको बड़ा भाई बोलता हूँ, इसको छोटा भाई बोलता हूँ, तो बड़ा भाई जो है उसके हाथ में सारे कंट्रोल्स हैं, पर बड़ा भाई छोटे भाई के जितना भाग नहीं सकता है वो, क्योंकि वो पुराने ख्यालात का ही ठहरा वाला है बड़ा भाई, और जो छोटा भाई है वो बहुत चंचल है। तो आप जिस मोड़ पे आए हो, यानी हमारे टाइम पे ऐसा था कि वॉल का रेडियो, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर आईसी आई, फिर ये आया, एंड सडनली ये ऐसे के बाद सीधा यूं ऊपर चढ़ गया है ग्राफ। सो योर ब्रेन, अपर ब्रेन, नॉट द लोअर ब्रेन, अपर ब्रेन इज कंडीशन टू डू एनी न्यू थिंग्स एट टाइम्स, पर वो अपर ब्रेन में जो जा रहा है उसको मेमोराइज करना, और उपज जो है शास्त्रीय में, वो उपज के लिए आपको अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। मैं इसको बायोलॉजिकली टेक्निकली आपको पूरा समझा सकता हूँ, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सरलता से आप समझ लीजिए कि जो भागने वाला ब्रेन है और ठहराव वाला ब्रेन है, वो दोनों ब्रेन्स को मैच करना पड़ेगा। वो जब तक वो दोनों ब्रेन्स संदीप मेहरा जी, मैंने बहुत सारे हैं, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, मुझे माफ करें, आपको बात अच्छी नहीं लग रही है मेरी। आई एम टॉकिंग द मोस्ट सीरियस थिंग, सो प्लीज मैं आप दूसरे वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें ये पियानो का मॉडल कितने में मिलता है, कहाँ मिलता है सारा। प्लीज आप सब्जेक्ट सुनिए, सब्जेक्ट के बाहर नहीं जाते हम लोग। मुझे लगा कि आपको कुछ इसके रिलेटेड सवाल पूछना है। यही बात है कि इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम समबडी, तो बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे ये बात कहनी है कि आप गुरु के साथ इस तरह का बर्ताव ना करें। मैं तो आपका गुरु नहीं हूँ, खैर मैं तो एक अनजान पराया आदमी हूँ, पर आप ये ना करें। मैं ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ योर गुरु, आपके गुरु का दृष्टिकोण क्या है। आप गुरु पता नहीं 1 घंटे के ऊपर हो गया होगा, मैं 1 घंटे से ये बात बोल रहा हूँ, और मैं आपको वापस दिखा देता हूँ कि ये 2 पेज भर के मटेरियल किया है, और ये 2 पेज का मटेरियल करने के लिए मुझे कम से कम 10 से ज़्यादा टीचर्स के इंटरव्यू लिए हैं मैंने, और उनके दर्द को जाना है, यानी 10 घंटे हो गए एक टीचर से, अगर 1 घंटा में इंफॉर्मेशन लेता हूँ, और बहुत दुखी हैं टीचर्स, विद्यार्थी की मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, बदतमीजी शब्द इस्तेमाल करूँ, अनजाने में जो गलतियाँ होती है विद्यार्थियों से, गिल्टी फील करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ये बात समझें। आप नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, खामोश रहें, विद्यार्थी को खामोश रहना है, अपने चश्मे से ना देखें कौन सा कीबोर्ड है, ये यूकुलेले कौन सी कंपनी का है, ये सारी चीज़ें गौण हैं, वही मैंने इतने टाइम से बोला है। सो संदीप जी प्लीज़ एक्सक्यूज मी, मैं मुझे माफ़ करना, मैंने आपको ये बात बताई, पर सब्जेक्ट अभी ये चल रहा है, और मेरा आपको ये एक राय है, एक बड़े भाई के नाते, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, बड़े भाई के नाते ये राय है कि आप कहीं पर भी सीखने जाते हैं, या आपके कोई भी गुरु हैं, या आपके माता पिता हैं, तो आप थिंक फ्रॉम देयर, उनके दृष्टिकोण से सोचिए समझिए। ओके धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। आपका दुर्व्यवहार गुरु के साथ लोगों को पता चलेगा ही, अगर आपने दुर्व्यवहार किया है, जैसे प्रकाश बता रहे थे कि कई लोग सीख के गए आपसे, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे मेरे से उम्र में बड़ा है, चाहे मेरे से ज्ञान में बड़ा है, चाहे मेरे से पैसे में बड़ा है, सीख के गए। वैसे कांति भाई जी के पास कई लोग सीख के गए हैं, नाम नहीं लेते हैं, मुझे पता है। सो वॉट, पर मुझे पता कैसे चला, मुझे बाय एक्सीडेंट पता चला, तो मुझे दुख होता है, और उस व्यक्ति के लिए जिंदगी के लिए मान उतर जाता है कि
कि भाई तुमने इनसे सिखाए, नाम क्यों नहीं लेते हो, क्या क्या गड़बड़ है? कल को अचानक से भारत रत्न दिया जाएगा गांधी भाई जी को, तो क्या? अरे मैं गया था 1959 से 60 तक था उनके वहां, तो भाई अब तक क्यों नहीं बोले आपने? ये आपके आत्मा को तकलीफ होगी, एंड इट इज, मैं कोई आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूं, इट इज योर अनकॉन्शियस एंड द कंट्रोल्स दैट क्रिएट्स नेगेटिविटी विद इन यू विदाउट इवन नोइंग। आप जानेंगे ही भी नहीं कि कितना नेगेटिव। मैंने बहुत एलोबरेटेड वे में इस विषय को लंबा खींचा है, जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा है, ताकि आप और जितने भी लोग देखें पूरा देखें ये एपिसोड को। नॉर्मली 2-3 मिनट में लोग यूट्यूब पे फॉरवर्ड एंड आउट। इट्स योर लाइफ, इट हैज अ कनेक्शन टू शुगर, ब्लड प्रेशर, थायरॉयड, राइट, बहुत सारी चीजों से कनेक्शन है आपका। तो आप अपने आप को अंदर से संगीत में है, आपको आपको ऐसे कुदरत ने कृपा कर दी है, माता जी ने कृपा कर दी है, आप संगीत में है, आप शेयर बाजार में नहीं है। शेयर बाजार में जाता आदमी क्या, उसको कोई लेना देना नहीं, वो वाइटल साइंस स्टैटिस्टिक पे काम करता है। यहाँ हमारे पास वाइटल साइंस है, हमारे पास साइंस है, हमारे पास साइकोलॉजी है, हमारे पास फिलोसॉफी है, हमारे पास स्पिरिचुअलिज्म है, हमारे पास डायनेमिक्स है, हमारे पास यूनिकनेस है। क्या फर्क है एक आम आदमी और एक म्यूजिशियन में? एक मैथमेटिशियन है इतने ही हिस्से का प्रयोग करता है, एक साइंस वाला है, फिजिशियन है, वो इतना ही यूज करेगा, एक एक्स ये यूज करेगा, एक एक्स ये यूज करेगा। म्यूजिशियन जब म्यूजिक बजाता है तो सारी बत्तियां ढक 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 खिलने लगती। सो यू आर अ म्यूजिशियन, आपको माँ सरस्वती ने कृपा की है, और अगर आप नॉन बिलीवर भी हैं तो भी आपको माँ सरस्वती को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टू कीप इट एज अ सिंबल, एक बुद्ध है, वो एक स्टैच्यू है। अगर आप बुद्ध परस्ती नहीं भी करते हो, आई एम अ नॉन बिलीवर ऑफ बुद्ध परस्ती, मैं निर्गुण निराकार में मानता हूं, मैं नेचर में मानता हूं, मैं विश्व शक्ति में मानता हूं, पर फिर भी मैं सरस्वती की मूर्ति को, डेफिनेट मूर्ति को तो कोई भी, मैं मुझे मजा आता है, पर सरस्वती इज अ सिंबल टू अंडरस्टैंड, टू अपने आप का आईना देखने के लिए। माँ सरस्वती को आप रखिए और कैसे प्रगति होती है आप देखिए, एक तस्वीर रखिए, एक मूर्ति रखिए, आपको आइडिया आएगा। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये गिफ्ट है ईश्वर की तरफ से, कुदरत की तरफ से, इफ यू आर अ नॉन बिलीवर। मैं हमेशा बोलता हूँ इफ यू आर अ नॉन बिलीवर, इफ यू आर अ बिलीवर, क्योंकि अभी तीसरे नंबर पे एथिस्ट लोग हैं, नास्तिक लोग हैं दुनिया में, तीसरे नंबर का जो धर्म है वो नास्तिक है। सो मैं इसके लिए बात बोलता हूँ, और आने वाले समय में बढ़ेंगे। तो नास्तिक लोग बुरे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आस्तिक लोग अच्छे हैं, ये लोग इसको मानते हैं, ये लोग इसको मानते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं है, पर माँ सरस्वती है, व्हाट गिफ्ट वी हैव एज म्यूजिशियन, जो आपके रेपुटेशन को लाइफ टाइम तक नेगेटिव रख सकता है, इफ आपका जो दुर्व्यवहार है, जाने में या अनजाने में, जाने अनजाने आपका जो दुर्व्यवहार है वो लोगों को आज नहीं तो कल पता चलेगा ही, सच है, बाहर आएगा, वॉल्केनो की तरह बाहर आएगा, और आपका लाइफ टाइम, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। डू नॉट मैन्यूपुलेट विथ योर टीचर, टीचर के साथ मैन्यूपुलेशन मत करें, टीचर के साथ गेम्स खेलने का प्रयत्न ना करें। आप कहीं पे भी गेम खेल लो, टीचर्स के साथ गेम्स मत खेलो, टीचर को विक्टिमाइज मत करो, टीचर को विक्टिमाइज मत करो। अगर आपसे नहीं जमता है अपना रास्ता छोड़ के चले जाइए, आपको लग रहा है कि यार टीचर कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, निकल जाइए, पर बहुत बड़ा टीचर को नुकसान नहीं होगा, आप ही को होगा। सो ये एंड माय ऑलमोस्ट थिंग्स आर डन। मैं वापस एक बार बोल देता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखें, और गुरु का आदर कैसे करना है, मुझे मैसेजेस आते हैं, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू, अरे भाई गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी फ़ोन लाइन खुली रहती है, क्वारंटाइन है, आप मत आइए, दक्षिणा वैसे ही नहीं ले रहा हूँ मैं, पर हाँ एक उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपकी आवाज़ चाहिए। हाँ सर, गुरु पूर्णिमा छे, चरण स्पर्श भी ना करें चलेगा, मैं उतनी भी छूट देता हूँ, उतना लिबर्टी देता हूँ, क्योंकि वो परंपरा है, और मैं परंपरा, मैं टीचर हूँ, मैं कहता हूँ मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गंडा नहीं बंधवाता हूँ, पर हाँ यू आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी विच आई हैव टेकन फ्रॉम समबडी एल्स।
विच आई हैव टेकन फ्रॉम समबडी एल्स, और जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप मैसेज मत भेजो। जब आप मैसेज भेजते हो, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, अरे क्रिसमस नहीं है भाई, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे, दिस इज नॉट हैप्पी बर्थडे। ये आपको खून, आपके गुरु ने, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके गुरु ने कहीं खून निकाला है, कहीं पेन झेला है, और वो सीख के आया, वो आपको ऐसे बांट रहा है। बेटे कुछ नहीं, थोड़े फ्लावर्स ले लो, कांटे ले लिए उसने, डोंट सेंड मैसेज टू योर गुरु। यहाँ हैप्पी गुरु फोन नहीं करते हैं, कौन बोलता है आपको? मैंने बोला आपको कि आप मुझे ग्रेटिट्यूड के लिए थैंक यू करो, आपका गुरु बोलता है? यार गुरु पूर्णिमा के दिन तो वो चिढ़ते हैं फिर गुरु, मुझे बोला कई लोगों ने कि नाम नहीं लेते, एक तो नाम मत लो, अपने बायोडाटा में तो लिखो, फेसबुक पे लिखते हैं फलाना वर्किंग एट दिस कंपनी ABCD IBM ऐसे कुछ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं फलाना स्कूल, फलाना ये, फलाना वो, बस खत्म, एंड वर्किंग एट दिस कंपनी, ये प्रोडक्शन। भाई इसमें गुरु आए नहीं गए आपके, आपके माता पिता नहीं आए, आप पहले पहले प्रथमा जो है जिसको बोलते हैं हम, फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ म्यूजिक कहाँ सीखे, कौन था वो टीचर? डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो 5000 अवार्ड विनर होंगे, पर उन्होंने आपको वो रास्ता दिखाया कि देखिए यहाँ से घुस, यहाँ पे अंदर 1300 राग हैं। तो आपको जो बिलावल सिखाया जिसने, आपको जिन्होंने काफी सिखाया, आपको जौनपुरी सिखाया, आपको बागेश्वरी सिखाया, फिर आप बोला मैं यार इतने कोमल, इतने राग ये कर लिए, पॉलीरिदम्स कर लिए, पर उसका तो वो उतना ही महत्वपूर्ण है। डू नॉट रेट योर टीचर्स, राइट? और जो मेरा ये मकसद है, इट्स ऑल अबाउट तहजीब, तहजीब है ये रिजिडिटी नहीं है, ये जड़ता नहीं है, ये जड़ वृत्ति नहीं है इसमें। इसमें ये है कि हृदय से वो आना चाहिए, आपके हृदय से वो निकलना चाहिए, बस इतना ही मुझे कहना है। और जितने गुरु हैं दुनिया भर के, जैसे मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता हैं, उसके बाद मैंने कहा जया बहन है, एक ब्लाइंड सर थे राठौड़ सर राजकोट एकेडमी में, फिर कांति भाई जी हैं, फिर जो अमरेली वाले सर के बारे में, अनफॉर्चुनेटली मुझे उनके क्लासेस देख के गया था और ऐसी फ्लाइंग विजिट में, पर मुझे वो आज तक याद है। मुस्लिम बैंड मास्टर है मेरे, जो सर्कस में मिले थे मुझे, और डीवूड है, बाबा जी है, अनिल मोयले जी है, क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखाया बाबा जी का। तो ये सारे टीचर्स हैं, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया, और मेरी जिद थी कि मैं अमेरिकन आदमी से ही जैज सीखूंगा, मुझे इंडियन आदमी से जैज नहीं सीखना, और मुझे वो मिले थे, वो मेरी किस्मत थी, वो मेरा डिटर्मिनेशन था, तो मैं उन सबका आभारी हूँ आज तक के जितने भी। और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि लता जी से सिखाऊँ, मदन जी से सिखाऊँ, रईस खान साहब से सिखाऊँ, विलायत खान साहब से सिखाऊँ, सलामत नज़ाकत से सिखाऊँ, सलामत अली नज़ाकत अली खान से सिखाऊँ, भीमसेन जोशी जी से सिखाऊँ, और कितने, मतलब लाइन है पूरी, तो वो ऐसे विजुअल में पूरा ऐसे स्क्रोल जाता है। और ये स्क्रोल फास्ट हुआ इसका मतलब नहीं कि उनके GB कम हो गए, GB वो पावर उतना ही है उनका, वो ये तहजीब अगर आप नहीं सीख रहे हो, मुझे पता है बहुत लंबा वीडियो हुआ है, अगर आप ये तहजीब नहीं सीख रहे हो, एंड प्लीज़ डू नॉट सेंड अ मैसेज टू योर टीचर। आप लोग ऑनलाइन सीखते हो ठीक है, पर साल में एक गुरु के हृदय को बहुत अच्छा लगेगा, आपके गुरु है ना। अरे हाँ आया था उसका फोन, अभी आया था। आपको गुरु के लिए वो नहीं होता है, हाँ भक्त तो होता है गुरु, लेकिन गुरु की समझिए, ये टीचर, गुरु टीचर, और मैं टीचर और गुरु में अंतर नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने साइंस टीचर को और आज भी उतनी इज्जत के साथ देखता हूँ, जो भी टीचर्स थे, सारे टीचर्स मुझे याद है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय विश्व।